हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीपीएन माइनिंग ने बहुत ही गजब का अपडेट और लेटेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बारे में जानेंगे। इनका केवाईसी का जो ऑप्शन है वो इन्होंने यहाँ पर कर दिया है लॉन्च, और ये यहाँ पर अपने यूज़र की केवाईसी कंप्लीट करेंगे। केवाईसी करना आपको यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। अगर आपको विड्रॉल चाहिए तो आपको केवाईसी के बाद ही यहाँ पर विड्रॉल मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रोसेस जो करना है वो करना है ऐप को अपग्रेड। अपग्रेड का आप यहाँ पर प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और आप यहां पर एपीके फाइल में कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए ये आपको यहां पर सजेस्ट करेंगे, तो आप अपनी ऐप के अंदर ही यहां पर अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको अपग्रेड कर लेंगे इसी तरह का इंटरफेस यहां पर आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको केवाईसी करने के लिए 15 दिन की स्ट्राइक आपको यहां पर चाहिए। तो स्ट्राइक आपको किस तरह मिलेगी, जब आप यहां पर माइनिंग करते हो और माइनिंग आपका यहां पर जो एंड होने से पहले पहले आपको यहां पर क्या करना है, अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर देना है। जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपकी स्ट्राइक यहाँ पर जमा होती रहेंगी, 15 स्ट्राइक हो जाएंगी, तो आपका केवाईसी का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इनेबल। आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन केवाईसी करने का। अब इन्होंने क्या क्या यहाँ पर चेंजेस किए, तो आप अगर यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर 3 एरो आ रहे हैं, ठीक है, उसके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इनका बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इवेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, केवाईसी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिल जाएगी, माइन पैन मिल जाएगा आपको, आपकी टीम मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इवेंट के ऊपर। जब आप यहाँ पर इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पर अपनी सोशल मीडिया वगैरह को यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि आपको सजेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने एक यहाँ पर गलीम के ऊपर टास्क आपको, इनका ये टास्क यहाँ पर एंड भी हो चुका है। अगर आपने इसको ज्वाइन किया होगा तो आपको यहाँ पर जो इसका एयरड्रॉप है वो मिल चुका होगा आपके वॉलेट के अंदर, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको इसका अपडेट प्रोवाइड किया था। अब केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको केवाईसी बटन पे क्लिक, जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये यहाँ पर कह रहा है अगर आप यहाँ पर विड्रॉल चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। केवाईसी के बाद भी आपका टोकन आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आप कम से कम यहाँ पर 15 दिन जो है वो स्ट्राइक ले लें, और 5 दिन लेटेस्ट ऑफ द माइनिंग यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। मुझे यहाँ पर 5 आ रहा है स्ट्राइक, आपको शायद यहाँ पर 15 आए या 10 आए, जितना भी आप ये इसमें एक्टिव होंगे तो उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पर सजेस्ट करेगा। मुझे यहाँ पर 5 दिन सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद 3 डॉट पर फिर से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन का आपका यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कितना कितना टोकन आपने कब कब यहाँ पर कंप्लीट क्लेम किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने इस माइनिंग को क्या किया, यानी कि 5 तारीख में स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद 2 तारीख में किया था, 2 में किया था, और फिर उसके बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 30 तारीख में इसका जो यानी कि स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसी तरह ये आपको यहाँ पर स्ट्राइक मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इनएक्टिव हैं, तो वो एक्टिव होंगे तो यहाँ पर उनको केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। माइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो सीपीएन टोकन है वो आपको क्या रेट से यहाँ पर मिल रहा है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसका पर घंटे आपको कितना कॉइन मिल रहा है उसका ही आपको ग्राफ दिखाएगा। मेंबर ऑफ द यहाँ पर ज्वाइन करने का आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिला, क्या रिवार्ड मिल रहा है, बूस्टर आपका कितना है, सीपीएन यहाँ पर एचआर आपका कितना है, तो पूरा आपको ये यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है और दिखा रहा है। योर टीम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जितने भी फ्रेंड आपने यहाँ पर इनवाइट किए थे उनको आप यहाँ पर रिमाइंडर कर सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर का भी एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे दिया, उनको भी यहाँ पर आप रिमाइंडर करेंगे तो उनको यहाँ पर नोटिफिकेशन जाएगा और वो यहाँ पर हो जाएंगे एक्टिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से 3 रोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इनका यहाँ पर जो रोड मैप आ चुका है दोस्तों, अब ये रोड मैप यहाँ पर आप देख लेंगे, सीपीएन नेटवर्क रोड मैप। तो यहाँ पर प्लीज़ फेस कम्युनिटी बिल्डिंग यहाँ पर इन्होंने बताया, फिर उसके बाद इको सिस्टम में अगर आप जाएंगे, इको सिस्टम में इन्होंने यहाँ पर फ्यूचर जो है वो बता दिए, इको सिस्टम, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, लोकल सर्विस, गेमिंग, ATH, फिर ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बता दिया एक्स अर्न, तो अर्निंग के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया क्या क्या चीज़ें इसके लिए यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं और इसमें इसको मर्ज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फेस यहाँ पर आपका 1 2025,
टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर इन्होंने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया। BSC यहाँ पर आपको यानी कि बायनान्स चेन पे वर्क करेंगे, जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया 2025 में जाने के बाद ये टोकन आपका लिस्ट होगा। अब यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, KYC का प्रोसेस ये यहाँ पर लेकर के आए हैं, ठीक है। अब ये KYC का प्रोसेस लेकर के आए हैं, फिर ये इको सिस्टम बिल्डिंग कमिंग यहाँ पर बता रहे हैं, फेस यहाँ पर बता रहे हैं वन, ठीक है। फेज वन में 2025-26 में ये क्या करेंगे, यानी कि मैग्नेट लॉन्च करेंगे, और यहाँ पर जो आपका CPN BSC टोकन वेल बी स्वैप टू यहाँ पर ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन में यहाँ पर आपका ट्रेड होने लगेगा। अगर ये नेटवर्क ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ कर लेता है तो ये यहाँ पर PDF को चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये इसको पहले से पहले लॉन्च भी कर सकते हैं। 2025 तो यहाँ पर मेन है, एंड 2025 का इनका पहले से टारगेट था, एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो रोड मैप और आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो प्रोफाइल को अगर आप यहाँ पर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो लिंक वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर मेल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आपका यहाँ पर वर्जन आप कौन सा चला रहे हैं ऐप का, तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद KYC के बारे में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 5 स्ट्राइक यहाँ पर मुझे बता रहा है, आपको कितना बता रहा है आप यहाँ पर कॉमेंट करके बताएंगे। अपडेट पसंद आए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को